हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो होता है गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी एपरेटस, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। अब हम देखते हैं गॉल्गी एपरेटस को। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गॉल्गी। उन्होंने 1898 में बताया कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के पास होता है, इसी वजह से इसका नाम उन्हीं के नाम उनके रिस्पेक्ट में गॉल्गी एपरेटस या गॉल्गी कॉम्प्लेक्स या गॉल्गी बॉडी, इन्हीं के रिस्पेक्ट में ये नाम दिया गया। ये गॉल्गी बॉडी कैसा दिखता है हमको, ये फ्लैट थिन फ्लैट होता है जो कि डिस्क लाइक होता है ऐसे करके, और ये जो डिस्क होती है इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी है ये इसका नंबर वेरी करता है फ्रॉम दी सेल टू सेल, यानी हर सेल का जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, गॉल्गी बॉडी है, उसमें कितनी सिस्टर्नी होगी ये अलग अलग होता है। इसका जो डायामीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है इसका डायामीटर। ये पैरेलली ऐसे अरेंज होते हैं। इस फेस को हम लोग बोलते हैं सिस या कॉन्वेक्स या फार्मिंग फेस, जबकि ये फेस जो होता है इसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, या कॉनकेव फेस बोलते हैं। यानी एक फेस के तीन नाम, सिस, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस, ट्रांस, मैच्योरिंग या कॉनकेव फेस। ये फेस दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन तो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जो सिस्टर्नी होते हैं इनके बारे में एक वर्ड और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो ये कि कॉन्सेंट्रिक होते हैं, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब अगर आपने दो सर्कल बनाया, उन दोनों सर्कल का अगर पॉइंट यानी सेंटर दोनों का अगर एक ही कॉमन पॉइंट पे मिलता है तो हम इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। इसका फंक्शन क्या होता है, जो चीज़ें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं उसका मॉडिफिकेशन करता है ये गॉल्गी बॉडी। क्या होता है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ें बनी हैं वो बनी होती हैं वेसाइकल के फॉर्म में। वेसाइकल इसके सिस फॉर्म से अटैच होती हैं और यहाँ से इसका मॉडिफिकेशन करके ट्रांसफॉर्म से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि या तो इसका टारगेट सेल ही होगा, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर ही होगा, या तो सेल के बाहर होगा। यानी ये जो वेसाइकल होती हैं इसको हम वेसाइकल बोलते हैं। इसका टारगेट सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर। इसमें हार्मोन एंजाइम वगैरह भरे हुए हो सकते हैं। लाइजोसोम इन्हीं एक वेसाइकल में से एक वेसाइकल है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जितनी भी प्रोटीन बनती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगी, वो सिस फेस से कंबाइन होकर उसका मॉडिफिकेशन होता है और ट्रांस फेस से उसको निकाल दिया जाता है। इसका एक फंक्शन और होता है, वो ये कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन भी ये करता है, पैकेजिंग भी करता है। ग्लाइकोलिपिड ये मेनली पैकेजिंग करता है और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन भी करता है। हमने देखा कि गॉल्गी कैमिलो गॉल्गी ने 1898 में एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसीलिए इसको हम इनके रिस्पेक्ट में गॉल्गी बॉडी भी कहते हैं, गॉल्गी एपरेटस भी कहते हैं। ये सिस्टर्नी से बना हुआ होता है, डिस्क लाइक प्लेट से बना हुआ होता है। डिस्क मतलब प्लेट ही होता है, फ्लैट डिस्क से बना हुआ होता है, सिस्टर्नी इसको बोलते हैं। नंबर ऑफ सिस्टर्नी किसी भी गॉल्गी बॉडी में अलग अलग हो सकती हैं, वेरिएबल होती हैं। सिस्टर्नी वेरिएबल होती हैं, ये पैरेलली अरेंज होती हैं, कॉन्सेंट्रिक होती हैं, यानी इनका सेंटर एक ही होता है। ये दोनों एक फेस को हम, इस फेस को हम लोग बोलते हैं सिस फेस, जबकि इस पीछे वाले फेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांस फेस। दोनों फेस अलग अलग होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होती हैं। जो मटेरियल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैकेज हुए थे उनका यहाँ पे होना है मॉडिफिकेशन,
वो मटेरियल वेसाइकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये क्या करते हैं सिस फॉर्म से अटैच होते हैं और वो मैच्योर ट्रांसफेज से रिलीज कर दिए जाते हैं। इन वेसाइकल का टारगेट सेल के अंदर भी कोई चीज़ हो सकती है, सेल के बाहर भी कोई चीज़ हो सकती है। सेल के अंदर है तो इंट्रा सेलुलर कह सकते हैं, सेल के बाहर है तो आउटसाइड दिस सेल भी कहते हैं उसको। अच्छा, इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि जितनी भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनी है, प्रोटीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगी, जबकि हार्मोन जबकि लिपिड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगी, तो जो प्रोटीन यहाँ बनती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सिस फेस से फ्यूज करती हैं और ट्रांस फेस से रिलीज कर दी जाती हैं। एक पॉइंट एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया लिखा है कि इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी से क्लोज एसोसिएशन में रहती है, मिली रहती, इसी के पास ही रहती है। उसके बाद लास्ट फंक्शन, जो लास्ट पॉइंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइजोसोम और वैक्यूल के बारे में। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।